हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए जी, बहुत अच्छा बारिशों का मौसम चल रहा है और बम्बई की एक बहुत फेमस चाट है रगड़ा चाट, तो जो कि बहुत खाने में अच्छी लगती है। दिल्ली में मिलती नहीं है और बॉम्बे हम जा नहीं सकते, तो चलिए घर में ही बनाते हैं और खाते हैं और खिलाते हैं अपनों को और इन्जॉय करते हैं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने एक कटोरी वाइट वाला मटर। तो इस मटर को हम अच्छे तरीके से धोने के बाद में 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। जिस तरीके से हम राजमा और छोले भिगोते हैं उसी तरीके से हमने इसे भीगने दिया था। ये काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 बड़े आलू, क्योंकि इसमें आलूओं का बहुत ही टेस्ट स्वाद आता है और मैं थोड़ी अलग तरीके से बनाती हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी मैंने अच्छे से छील के धो के और पानी में डिप करके रख दिया था, फिर इसको अब उबलने के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कटोरी पानी। इतना हमें पानी चाहिए कि हमारी मटर अच्छे से डूब जानी चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डाल दिया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक मैंने अच्छे से डालने के बाद में अब इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से छोले और राजमा वगैरह या कोई भी साबुत दालें हम उबालते हैं, उसी तरीके से हमें 4 से 5 सीटी लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये उबल चुके थे। मैंने इनका बिल्कुल प्रेशर डाउन होने के बाद में ही इसे खोला है, तभी मैं इसके अंदर हाथ डाल के अच्छे से निकाल के दाना देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसको, एक प्लेट में अलग से निकाल के इसको रख लूँगी और फिर आगे की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत बढ़िया से ये चाट बन के तैयार होती है और मुंबई की तो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर मैंने देखी कुछ तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और बड़े ही साइज़ का मैंने प्याज भी लिया, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहे तो इसे ग्रेटर में या जो चॉपर होता है उसमें काट सकते हैं, मेरे पास में नहीं है तो मैंने उसको हाथ से ही बारीक बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद में मैंने यहाँ पर जो थोड़े से बड़े और मीडियम साइज़ के हमने आलू जो काट के उबाले थे उनको अच्छे से इनमें फ्राई करना है। जिस तरीके से हम आलू चाट बनाते हैं उसी तरीके से इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। बेसिकली जो रगड़ा चाट बनती है वो आलू जो वाइट मटर होते हैं उसके साथ ही बनाकर उसी में मिक्स कर दिए जाते हैं, पर मैं ये इस तरीके से डालने को पसंद करती हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। यहाँ पे वही उसी तेल के अंदर मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है और बारीक कटी हुई प्याज आधी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है और आधी हम आगे ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 हरी मिर्ची डाली है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल स्किप कीजिएगा, बिल्कुल मत डालिएगा। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर प्याज ना खाएं, यहाँ पे आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर लहसुन और प्याज खाते हैं तो आप लहसुन और अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी आधे डाल दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। बहुत अच्छा सा ये हमारा मसाला बनके हो जाएगा तैयार, जो कि हमारी रगड़ा चाट का बेस बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे डाल दी है 1/2 चम्मच मैंने रेगुलर वाली मिर्ची और 1/2 ही चम्मच मैंने डाली है देगी मिर्च, कलर लेने के लिए बहुत बढ़िया आएगा। 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर जीरे का पाउडर, बेसिक से मसाले जाएंगे। और यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी का भी पाउडर। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है और बहुत अच्छे तरीके से इनको भून लेना है। जितना अच्छा मसाला हमारा भुनेगा उतनी ही अच्छी हमारी ग्रेवी बनती है और हमारी कोई भी रेसिपी बनके तैयार होती है। यहाँ पर अब मैं मसाले को अच्छे से भूनने के बाद में यहाँ पर ये जो हमारे उबले हुए वाइट मटर है इनको भी ऐड कर दूंगी। वही जो थोड़ा सा पानी उसमें था वही मैंने ऐड किया है, बाकी ऊपर से कोई पानी नहीं डाला। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन चाट का मतलब थोड़ा सा थिक ही होता है, तो मैंने यहाँ पर इसमें पानी ऐड नहीं किया है, उसी पानी को रखा है जिसमें ये उबले थे। यहाँ पे हल्का सा मैश करते जाएंगे और इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से ये चाट हमारी बनके ये हमारा जो मटर का बेस है वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो चलिए, क्योंकि बना रहे हैं हम चाट तो बाज़ार का लुक तो देना ही पड़ेगा। तो बम्बई में जैसे सर्व किया जाता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन दिल्ली में जैसे सर्व की जाती है चाट मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। तो एक प्लेट होती है उसके अंदर रखे जाते हैं दोने, तो दोने के अंदर जो दोने के अंदर होता है उसके अंदर मैं सारी ये मटर वाली चाट रगड़ा जिसे बोलते हैं वो डाल दूंगी और अच्छे तरीके से इसको पूरा फिल करूंगी। उसके बाद में इसके ऊपर जाएंगे और मसाले और
सामान जो कि आगे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्राई किए हुए वो आलू डाल दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेस्ट देंगे यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं ये बारीक कटे हुए टमाटर, जो हमारे पास में बचे हुए टमाटर थे वो भी ऐड किए हैं। और यहाँ पे प्याज भी ऐड कर दी है, और यहाँ पे ये धनिया पत्ती भी हम डाल देंगे। और इसके साथ ही जाएगी यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी, ये वही चटनी है जो सिलबट्टे पे मैंने बनाई थी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो ये ज़रूर अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और ये बनाई है मैंने जो मीठी सॉल्ट जो घर में ही बनाती हूँ मैं, वो बना कर रखी हुई थी, ये भी मैंने ऐड कर दी है, इसके ऊपर अच्छे से डाल दी है। खट्टा मीठा तीखा टेस्ट आएगा तो बहुत ही बढ़िया लगती है। यहाँ पे मैंने डाली है जो बूंदी वाले रायते होते हैं वो डाली है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया ये भी क्रंच आता है इसके साथ में, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने डाली है ये सेव वाली नमकीन, ये भी बहुत अच्छी लगती है। आपके पास में जो भी नमकीन हो आप वो ऐड कर सकते हैं, पापड़ ऐड कर दीजिए, चिप्स ऐड कर दीजिए। यहाँ पे प्याज और टमाटर एक बार फिर डाला है मैंने, और अब ऊपर से डाल दूँगी मैं इसमें बहुत सारी दही। तो हाँ जी, ये हमारे यहाँ पे दही के साथ में खाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तीखा मीठा और खट्टा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने इसको लास्ट में किया है एक नींबू के साथ में सर्व, और ये ऊपर से बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है इसके साथ में, नींबू आप ऊपर से डालिए। और यहाँ पे मैंने जो हमारे होममेड आलू के चिप्स थे उनको एक क्रश करके डाल दिया है। तो ये बन गई हमारी रगड़ा चाट। आशा करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी थी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।